सप्ताह से बूंद बूंद पानी के लिए त्रस्त जनता का सब्र आखिरकार टूट गया है। जनता सड़क पर उतर आई है। धनबाद रांची NH 32 मुख्य मार्ग को केंदुआ डी में जाम कर जनता पानी मांग रही है। वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। जमाड़ा के कर्मचारी नेता छठे वेतनमान के आधार पर वेतन देने और बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर 13 सितंबर से ही आंदोलनरत है। केंद्र में जो जन लोगों की समस्या है बहुत ग्राल हो चुकी है। पानी जो है आज 10 दिनों से लगभग नहीं चल रही है और पानी के चलते बच्चे बूढ़े जवान जितने भी हैं कि कोई ना कोई कारण से कोई बीमार ग्रसित हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं उसके चलते हम लोग रोड जाम किए हुए हैं। अगर पानी नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगे आप? ये जन आक्रोश बढ़ता जाएगा। यहाँ के प्रतिनिधि कुछ करने रहे हैं, जो करना चाहिए वो करने रहे हैं, सिर्फ रोटी सेकने आते और आकर चले जाते हैं और बाद में फिर आया गया हो जाता है। जिस तरह आश्वासन दे कि आधा घंटा में आप लोग का पानी चालू कर देंगे और जब तक चालू नहीं होगा हम लोग यहाँ पर विरोध जारी रहेगा। उसी वक्त हम राजा चौर से प्रोगेंद्र बता दें कि धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने पहल कर हड़ताली नेताओं और धनबाद के उपायुक्त के बीच वार्ता भी आयोजित कराया था। इस त्रिपक्षीय वार्ता में लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी थी। जमाड़ा कर्मियों ने भी इस वार्ता के बाद हड़ताल तोड़ने की बात कही थी, लेकिन एक पत्र के कारण जमाड़ा कर्मियों की हड़ताल नहीं टूट सकी। फिलहाल आंदोलन कर रहे लोगों से मिलकर विधायक ने बताया कि पानी लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जल्द पानी की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। पानी जल्द चालू हो रहा है, आने में समय लगेगा और जब तक पानी नहीं चालू होगा हम यहीं हैं, पुट्टी से लेके केंदुआ इलाके में पानी का काम हो रहा है। बॉल फूला है, अभी हम लोग लग करके हम प्रशासन से ही बात कर रहे हैं, कर्मचारी नेता से ही बात कर रहे हैं और पानी खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि झरिया के कोलियारी क्षेत्र सहित केंदुआ, करकेंड, पुटकी, भौड़ा, भूली, कतरा सहित अन्य बड़े क्षेत्रों में अब पानी के लिए हाहाकार मच चुका है। जल संकट से त्रस्त केंदुआ डी के लोग आज सड़क पर उतर जल दो या जेल दो का नारा लगा रहे हैं। उग्र नागरिक जनप्रतिनिधि और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर बैठे लोगों ने वाहनों का परिचालन ठप कर दिया है। धनबाद से न्यूज़ के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।